ओवरफ्लो से होता है, घंटे के ऊपर से चलता है पानी। अच्छा, पूरा मंदिर उस समय डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है। आप अगर जैसलमेर आए हो तो एक लक्ष्मी नारायण जी और एक चुंदी गणेश जी का अगर आपको दर्शन करना है तो जैसलमेर के किसी भी घर में चले जाओ, इनकी मूर्ति वहां आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई जगह पे। फिलहाल मैं आ गया हूँ चुंदी गणेश मंदिर, जो जैसलमेर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अच्छी वाइब आ रही है, शानदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जाने के लिए एक रास्ता है और उसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर झाड़ियाँ हैं जिन पर काफ़ी फूल लगे हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, ये देखकर थोड़ा मन को शांति महसूस हो रही है। एक बार आप भी देखिए। तो दोस्तों, इस चुंदी गणेश मंदिर को हम देखने आए थे, लेकिन इस पे लॉक लगा हुआ था, तो फिर हमने सोचा अभी लॉक लगा हुआ है तो फिर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वापस गए तो यहाँ के जो पुजारी जी है वो हमको मिल गए और उनको हमने बताया कि ऐसा है कि हम YouTube पे हमें वीडियो डालना है और क्या आप मंदिर खोल सकते हो या फिर इसके खुलने का एक टाइम बता दो। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मंदिर अभी खोल के ही दिखाता हूँ। तो पंडित जी इसकी चाबी लेके आ रहे हैं और आपको मैं एक बार ये मंदिर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस चुंदी गणेश मंदिर के इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। ऐसा माना जाता था कि एक कंवंत ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पर लगभग 500 साल तपस्या की थी और उसके बाद इस मंदिर को स्थापित किया था। एक बार हमारे यहाँ पुजारी जी आए हुए हैं, उन्होंने मंदिर खोल दिया है तो उनसे भी एक बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये है चुंदी गणेश जी का मंदिर, इसके बारे में हम पंडित जी है यहाँ के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी, ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये लगभग 1500 2000 साल पुराना है मंदिर। ये मूर्ति भी 2000 साल पुरानी है। और इसको कैसे, इस मंदिर को बसाया गया या इसके पीछे? ये बसाया नहीं, ये प्राकृतिक मूर्ति है, कहते हैं प्रकट हुई मूर्ति, शंभू है। शंभू है। अच्छा। और ये पूरी नदी है जहाँ पे आप खड़े ना, ये काक नदी के नाम से जानी जाती है। अपने यहाँ मेला लगता है गणेश चतुर्थी का, साल में एक बार लगता है लेकिन बहुत भव्य मेला लगता है। अपने जैसा मेर का सबसे बड़ा मेला अपने यहाँ लगता है चुंदी गणेश में, इसीलिए प्रसिद्ध है। हाँ। और यहाँ पर मैंने सुना है कि लोग यहाँ अपने घर बनाने की आशाएं लेके आते हैं। हाँ, और जिनकी जो है मन्नत जो भी होती है ना, घर वाली और जो भी है, वो सब इनके चरणों में रखते हैं और उनका घर बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे कितने सारे घर बने हुए हैं। हाँ, ये चार पूरी नदी में, ये जब बारिश के समय में तो ये नदी, इस नदी का पानी चलता है, ओवरफ्लो से होता है, घंटे के ऊपर से चलता है पानी। अच्छा, पूरा मंदिर उस समय डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है। और इनकी सूंड भी राइट में है। अच्छा। हाँ, तो ये कहते हैं अद्भुत चमत्कारिक मूर्ति है। अच्छा, बाकी जहाँ है वहाँ पर राइट में, इस साइड राइट में नहीं होती है। अच्छा। एक तो आपके सिद्धि विनायक जी के मिलेंगे, दूसरे ये नहीं के बाकी और कहीं के नहीं। और एक और मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा था कि यहाँ पे दो कुएं हैं जहाँ से साल में एक बार गंगा का पानी आता है। हाँ, एक तो ये है आपके पीछे और एक सामने है, 500 मीटर की दूरी में है। अच्छा, उसका पानी आप मतलब कभी खत्म ही नहीं होता, इतना का चाहे कितना भी सूखा या कितना। दोस्तों, यहाँ पर जो दो कुएं हैं वहाँ से गंगा का पानी आता है, ऐसी पौराणिक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कोई भक्त थे जो हरिद्वार गए थे गंगा में नहाने के लिए, लेकिन नहाते वक्त उनका कंगन कहीं खो गया था। तो वो जब वापस आए और परेशान रहते लगे कि कंगन मेरा बहुत ही महंगा था और वो उस गंगा में खो गया, और वो वापस उन्हें कंगन यहाँ पे जो एक कुआ बना हुआ है वहाँ पे मिला था, और तब से ये प्रथा शुरू हो गई कि गंगा जी का पानी यहाँ तक आता है। हाँ, सही है ना? बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये काक नदी है, आप देख सकते हो इस नदी के अंदर भी बेहद सारे छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पर अपनी मन्नत लेके आते हैं तो वो यहाँ पर छोटा सा एक घर बना के जाते हैं, तो अगले साल वो वापस आते हैं, तब तक मान्यता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ठीक है पंडित जी, इतना समय देने के लिए। बिल्कुल। और ये मंदिर अभी बंद था तो मैंने पंडित जी से बात की कि ऐसा है हमको वीडियो बनाना है और यूट्यूब पे डालना है, तो इन्होंने कष्ट किया और इस मंदिर को खोला, तो इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और अपने महादेव जी की मूर्ति है ऊपर।
वो उस मंदिर को भी हम देखने जाएंगे। बिल्कुल। एक बोलते हैं यहाँ पर एक राम दरबार है, राम दरबार वो ऊपर मंदिर में ही है, वो महादेव जी के मंदिर में। सिमर ऋषि जी के बाद और भी ऋषि मुनि जी आए थे। अच्छा। जिनके शिलालेख बने हुए ढूंढा करते थे पहले। अच्छा। तो काफी ऋषि मुनि जी आए थे, उनके अभी भी शिलालेख बने हुए। तो ये पूरी तपोभूमि एक तरीके से, अपन एंट्री करते ना गेट से तो अपने को एक ऊर्जा मिलती है, आपके पहले तो मन शांत हो जाएगा ना। वो मैंने जब वीडियो स्टार्टिंग की थी ना अंदर आते ही, तो मैंने आते ही बोल दिया था कि इसके अंदर आते ही मेरे को एक अलग वाइब आ रही है, एकदम शांति का अनुभव हो रहा है, एकदम पूरा मन शांत हो जाता है और एक अलग ऊर्जा मिलती है। दोस्तों यहाँ इनके दर्शन मात्र से ही सब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसलमेर से 15 किलोमीटर है ना। हाँ, तो जैसलमेर से दोस्तों लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है। अगर आप जैसलमेर में हो तो आपकी मनोकामना लेकर एक बार जरूर यहाँ पधारे। और ऊपर एक महादेव मंदिर है, राम दरबार है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो काक नदी बह रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो काक नदी है ये सिर्फ बरसात के समय ही बहती है, और जिससे ये पूरा मंदिर और फ्लो हो जाता है। और दोस्तों इस काक नदी के बारे में आपने मोमल महिंद्रा के बारे में जरूर सुना होगा, जो लुद्रवा की थी। ये काक नदी यहाँ से बहते हुए लुद्रवा की तरफ भी जाती है, और वहां भी हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महादेव का मंदिर और राम दरबार। चलिए जी। तो दोस्तों चुंदी गणेश के ठीक सामने ये एक है महादेव मंदिर और राम दरबार। महादेव जी के मंदिर पर भी लॉक लगाया हुआ है, तो पंडित जी गए हैं इसकी भी चाबी लेने के लिए और वो खोलेंगे। दोस्तों वो सामने आप कुआं देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार उस कुएं से गंगा जी का पानी आता है। उस कुएं पे भी हम चलेंगे, उससे पहले हम देखेंगे ये महादेव जी का मंदिर। पुजारी जी इसका लॉक खोल रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये महादेव जी का मंदिर है, ये भी चुंदी गणेश जी के मंदिर के पास ही बना हुआ है। इस पर भी बेदी शानदार आलीशान नक्काशी की हुई है। एक बार आप इस मंदिर को देखिए, और इसके बाद इस मंदिर के बारे में भी हम पुजारी जी से जानेंगे। तो दोस्तों अभी हम हैं चुंदी गणेश के ही एक महादेव जी का मंदिर है उसके अंदर। ये एक यहाँ पे एक फोटो लगा है, ये आप देख सकते हो। सन 1988 में ये चुंदी गणेश मंदिर कुछ ऐसा नजर आता था, लेकिन उसके बाद इसका विनिर्माण करके जो आपने वर्तमान स्वरूप आपने देखा वो 1988 के बाद बना है। तो पुजारी जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो एक बार इस महादेव मंदिर के बारे में बताइए, ये भी उतना ही पुराना है या उसके बाद? नहीं नहीं, ये भी उतना ही पुराना, उसी समय का है, ये शिवलिंग उसी समय की है, बाद में ये डेवलप तो अभी फिर बाद में हुआ। हाँ, जैसे लोगों ने देखा, उनकी श्रद्धा बढ़ी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो फिर ऐसे जो है इनका निर्माण होता गया। ये जो अभी देखो ये पूरे पूरे मंदिर में ऐसे कांच लगे हैं। हाँ। और ये अच्छी मीनाकारी की हुई है। इसके बाद जो भक्त है जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती गई, तो उन्होंने इस मंदिर में जो भी हो दान दक्षिणा दिया, किसी ने क्या निर्माण करवाया, ऐसे करके इस मंदिर को काफी श्रद्धा बढ़ती गई। पंडित जी ने अभी मुझे बताया कि आप अगर जैसलमेर आए हो तो एक लक्ष्मी नारायण जी और एक चुंदी गणेश जी का अगर आपको दर्शन करना है तो जैसलमेर के किसी भी घर में चले जाओ, इनकी मूर्ति वहां आपको जरूर मिलेगी। वो क्यों? ये कारण यही है कि लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। काफी श्रद्धा है अपने चुंदी गणेश जी को लेकर के और लक्ष्मीनाथ जी को लेकर के। यहाँ पे हर बुधवार 2500 से 3000 लोग आते हैं, और संडे को तो आते ही आते हैं, बाकी दिन चलते रहते हैं। बाकी बुधवार को खास दिन माना गया है अपने गणेश जी का नाम। हाँ, और इनका नाम भी चिमन से ही चुंदी पड़ा है। अच्छा, जो यहाँ पर जो साधु आए थे उनका नाम वो चिमन जी साधु थे, तो उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम भी चुंदी। हाँ, गणेश पड़ गया। वो चंद बात है ना, वो उन्हीं के नाम से आता है। बाकी इधर चुंदी गणेश मंदिर ही है या फिर चुंदी नाम का कोई गाँव है? ये पूरा गाँव ही उन्हीं के नाम से, पूरा गाँव मंदिर चुंदी नाम का गांव है। गांव। तो एक साधु महात्मा आए थे, उनका नाम था, तो उनके नाम पर इस पूरे गांव का नाम भी चुंदी पड़ा, और इस मंदिर का नाम भी फिर चुंदी गणेश ही पड़ा है। अभी पंडित जी से हम आज्ञा लेंगे, ठीक है पंडित जी, और आप प्रसाद ले लेंगे, और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए। दोस्तों वो सामने कुआ है जिसकी मान्यता है कि उससे
साल में एक बार गंगा जी का पानी आता है, तो एक बार उस कुएं को भी हम चल के देखते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार इस बेहद ही ज्यादा कबूतर थे इसके अंदर। दोस्तों बेहद ही गहरा कुआ है, नजदीक जाना इसका, इसके नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दोस्तों ये काक नदी है और ये देखो इसके अंदर ऐसे घर बनाए हुए हैं और हजारों की संख्या में ऐसे घर बने हुए हैं, हजारों की संख्या में। हमारी भी कुछ मनोकामनाएं हैं, हम भी इधर एक घर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे कैमरामैन कम भाई कम दोस्त कम जो भी हो यही है, तो इन्होंने भी अपनी शादी की मनोकामनाएं मांगी है। ऐसी कोई बात नहीं, गणेश जी की आशीर्वाद से जल्दी इनकी शादी हो जाए। कोई बात नहीं, ऐसे ही आए हैं तो जरूर आशीर्वाद ले। मैं भी बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं भी अभी घर बनाऊंगा और फिर उसके बाद चलूंगा लुद्रवा की और मुमल और महिंद्रा की खोज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।